हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारतीय युद्ध नीति के एक नए एपिसोड में, जहां हम आज बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी और साइबर वॉरफेयर के बारे में। दोस्तों, 29 जून 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, जिनकी लिस्ट आप अपनी अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये सब सेक्शन 69A के तहत किया गया है। दोस्तों, सेक्शन 69A आईटी एक्ट सन 2000 के अंतर्गत आता है, जो कि साइबर क्राइम के साथ डील करता है। तो सेक्शन 69A भारतीय गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी मैलिशियस इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन या वेबसाइट्स को पब्लिक के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, भारत की अखंडता, एकता, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के हितों को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, इस सेक्शन के लगने से ही ये क्लियर हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन ऐप्स को आखिर बैन क्यों किया है। इन ऐप्स के खिलाफ एंड्रॉयड और iOS यूजर से काफ़ी कंप्लेन आ रहे थे कि ये यूज़र डाटा पर स्पाई कर रहे हैं और उसे चोरी कर रहे हैं। और अभी हाल ही में ही एप्पल ने टिकटॉक को यूज़र डाटा पर स्पाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। दोस्तों, लाइव मिंट के एक आर्टिकल के मुताबिक साइफर्मा कंपनी, जो कि इंडिया में साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसने 9 से 10 दिन पहले पाया कि डार्क वेब पर चाइनीज हैकर फोरम्स आपस में मैंडरिन और कैंटनीज भाषा में बात करने लगे, जिसको ट्रांसलेट करने के बाद मालूम पड़ा कि वो भारत को एक सबक सिखाने की साजिश रच रहे हैं। उनके निशाने पर भारत की बहुत सी बड़ी कंपनीज हैं, कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स और ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ आए दिन बोलता रहता है। और इस कॉन्वर्सेशन को ट्रैक करने के बाद दो हैकर ग्रुप्स का नाम सामने आया, गॉथिक पांडा और स्टोन पांडा, जिनकी डायरेक्ट एफिलिएशन है PLA से, जो कि चाइनीज आर्मी का दूसरा नाम है। दोस्तों, बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 से 5 दिनों में ही भारत पर तकरीबन 40,000 साइबर अटैक्स हो चुके हैं, और ये अटैक्स मेनली पाकिस्तान, चाइना और नॉर्थ कोरिया से ओरिजिनेट हुए हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र साइबर ऑफिशियल्स के मुताबिक इन हैकर्स के पास 20 लाख भारतीय नागरिकों के ईमेल आईडीज का एक डाटाबेस है, और सभी नागरिकों को फिशिंग ईमेल से सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, इन फिशिंग ईमेल्स पर जब आप क्लिक करेंगे, तब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड्स और पासकोड्स इन हैकर्स के पास बहुत ही आराम से पहुंच सकती है। दोस्तों, एक फ्रॉड आईडी है ncov2019@government.in, जिसने रिसेंटली फ्री COVID-19 टेस्टिंग के नाम पर एक फिशिंग ईमेल भेजा था। तो दोस्तों, हाल ही की घटनाओं को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन ने भारत के खिलाफ साइबर वॉर छेड़ दी है। तो जान लेते हैं कि आखिर ये साइबर वॉरफेयर होता क्या है। दोस्तों, जब एक देश किसी दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क्स में घुसकर उसका सीक्रेट और सेंसिटिव डाटा चुरा लेता है, या उसे नष्ट कर देता है, या फिर उसमें कुछ हानिकारक बदलाव कर देता है, या फिर कम्युनिकेशन को ख़त्म कर देता है, इसी को साइबर वॉरफेयर कहा जाता है। दोस्तों, साइबर वॉरफेयर के गंभीर परिणामों का इस बात से पता लगाया जा सकता है कि US का एक ड्रोन गिराए जाने पर उन्होंने ईरानियन मिलिट्री के सभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को हैक करके बेकार कर दिया था। यानी कि अगर कभी भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है, तो साइबर वॉरफेयर की मदद से एक देश को हथियार होने के बावजूद भी निहत्ता बनाया जा सकता है, या फिर उसके खुद के ही हथियार उसके ही खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दोस्तों, चीन भारत के खिलाफ साइबर वॉर इसलिए छेड़ रहा है क्योंकि भारत साइबर सिक्योरिटी में कमज़ोर है, भारत का साइबर सिक्योरिटी मार्केट बहुत ही छोटा है, और भारत में हैकिंग जैसी चीज़ों की सज़ा ज़्यादा नहीं है, ये एक बेलेबल ऑफेंस है। तो चीन भारत को पूरी तरह कमज़ोर करना चाहता है। दोस्तों, चाइना साइबर वॉरफेयर में काफ़ी आगे है। उनकी एक पूरी साइबर आर्मी है, जिसमें 50,000 से लेकर 1,00,000 तक लोग भर्ती हैं, और वो आए दिन US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पर साइबर अटैक्स लॉन्च करते रहते हैं। दोस्तों, सन 2013 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स के ब्लूप्रिंट चुरा लिए थे। सन 2014 में कैनेडियन नेशनल रिसर्च काउंसिल के कंप्यूटर्स को उन्होंने हैक कर लिया था। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर भी साइबर अटैक किया था। और दोस्तों, US के F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को हैक करके, जिसको बनाने की कुल कीमत भारत की आधी GDP यानी $1.5 trillion के बराबर है, उन्होंने अपना J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाया। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि इस फील्ड में भारत की कमजोरियां क्या हैं, और क्यों भारत को फ्यूचर में एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, भारत की डिजिटल इकोनॉमी भारत की टोटल GDP के 14 से 15% है, जो कि 2024 तक 20% तक बढ़ने वाली है।
इसके अलावा दोस्तों आजकल ऑलमोस्ट हर काम ऑनलाइन होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के आ जाने से भारतीय स्पेस एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डोमेन बनता जा रहा है जिसको सिक्योरिटी की ज़बरदस्त ज़रूरत है। तो भारत ने आखिर अभी तक साइबर सिक्योरिटी को सुधारने के लिए क्या किया है और भारत को आगे क्या सुधार करने की ज़रूरत है? दोस्तों इंडियन आर्म फोर्सेस की ट्राई सर्विसेज कमांड ने 28 सितंबर 2018 को डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन किया जिसको एक्टिवेट किया गया सन 2019 नवंबर में। ये एजेंसी किसी भी नेटवर्क में हैक कर सकती है, कहीं पर भी सर्वेलेंस ऑपरेशन चला सकती है, ये हार्ड ड्राइव्स और सेलफोन में से डिलीटेड डाटा निकाल सकती है और उसके अलावा एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल्स में भी ये घुस सकती है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि भारत में पावर और हेल्थ केयर सेक्टर को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों भारत को अपनी नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जैसी एजेंसीज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यानी इनके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट एलोकेट करना पड़ेगा। इन सब के अलावा भारत को एक क्लियर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा जो ये प्रायोरिटाइज करेगी कि किसी भी साइबर अटैक के टाइम पर हमें स्ट्रक्चरली हमें अपने कौन सी इन्फॉर्मेशन और कौन से सेक्टर्स को सबसे पहले बचाना है और दुश्मन को कैसे जवाब देना है। हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड एडवांस कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेन वर्कफोर्स ही आगे जाकर भारत की साइबर सिक्योरिटी को संभाल पाएगी। हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स पे काम करना पड़ेगा जो सही ढंग से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को गवर्नमेंट को बता पाएंगे। दोस्तों भारत को एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ को जल्दी से जल्दी लाना पड़ेगा और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में भारत को पार्टिसिपेट करना होगा। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम बहुत ही जल्द लौटेंगे अपने एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय मां भारती।